नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपावली का पर्व भी है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है। और भी क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आप सुनिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभ चिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। क्यों इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है।